गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा बेबी है। थोड़े टाइम पहले मेरी बेबी को इन्फेक्शन हो गया था, फीवर आ गया था। तो मैं डॉक्टर डॉक्टर के पास आई थी, तो उस टाइम तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है और बिल्कुल ठीक कर दिया था। बट अब मैं अपने बच्चे को दवा मेडिसिन नहीं देना चाहती। तो डॉक्टर ने उसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया है कि बॉटल फीड बिल्कुल बंद करनी है। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं अब अपने बच्चे को बॉटल फीड ना दूं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर बॉटल फीडिंग देते हैं तो बच्चों को एक तो इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं बार बार, तो एलर्जी ज्यादा होती है, एक्जिमा एलर्जी तरह तरह की, फिर बच्चे और मदर की बॉन्डेज ज्यादा नहीं रह पाती, तो इसलिए बच्चे का की जवाबदेही नहीं रहती मदर के लिए। इसलिए बच्चों को बॉटल फीडिंग ना दें। अगर बॉटल से फीडिंग से बच्चे को देते हैं फीड, तो वो सीधा उसका एंड ओपनिंग में होल होता है, ओपनिंग इसी एंड में होती है, तो सीधा गले में चला जाता है। आधा डाइजेशन तो मिल्क का मुंह में होता है सलाइवा के साथ, आधा पेट में, फिर मुंह में डाइजेशन हो नहीं पाता, तो अनडाइजेस्टेड मिल्क जो जाता है वो बच्चे को बड़ी सारी परेशानियां देता है। इसके बजाय अगर बच्चे को ऊपर का दूध देना पड़े तो ऐसी पैलेडी होती है, पैलेडी जोत, ये छोटी सी जोत है, इसके साथ दूध देंगे तो सलाइवा के साथ मिक्सअप होगा और जाएगा नीचे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को इन्फेक्शन से कैसे दूर रखूं कि मेरा बच्चा जो है उसको मैं दवाई ना दूं और इन्फेक्शन भी ठीक हो जाए? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा चीज है, अगर जो बच्चा बोटल फेड है तो उसकी तो इम्यूनिटी पूर होगी। सबसे बड़ा स्टेप है बोटल उसी हटाओ। बोटल के लिए सबसे सच्चा जो तरीका है वह बोटल तोड़ दो। बोटल बच्चे के सामने तोड़ के डस्टबिन में डाल दो। अगर छुपा के रखेंगे तो कभी ना कभी रात का बहाने या सफर के बहाने या कि भी अरे ले नहीं पा रहा ऐसा करके आप दे दोगे, उसी से फिर बच्चे की बोटल छूट नहीं पाती। तो बोतल तोड़ दो, फिर बच्चा दो चार दिन रोएगा, परेशान रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, उसका इंश्योरेंस हो जाएगा, फिर बीमार नहीं होगा, तब सारा आप लोगों के साथ खाना खाएगा। अगर बोतल का लालच है उसे, तो तीन चार घंटे के लिए कैलोरी मिल जाती है उसे बोतल से, उसको लगता है सेटिस्फेक्शन हो गया, लेकिन एम्प्टी कैलोरीज होती है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स तो मिलते नहीं 9 महीने के बच्चे को, तो इसलिए फिर वो छोड़ नहीं पाता। इसलिए आप हमेशा के लिए बोतल तोड़ दो और खुश रखो, उसे बाहर लेके जाओ, जितना आउटडोर एंगेज रहेगा, बिजी रहेगा, तब वो बोतल का ध्यान नहीं करेगा, फिर तो सारा खाना खाएगा। तो इट मींस आपके हिसाब से बोतल छुपानी नहीं है, बोतल तोड़ दे। रियली रियली, अदरवाइज जो बच्चा 9 महीने का है, जैसे बच्चा 9 महीने का, इसको 24 घंटे में केवल 2 ही बार दूध चाहिए, और 1 साल के बच्चे को 24 घंटे में केवल 1 बार दूध चाहिए, केवल 1 बार। अदरवाइज सब्जियां दालें खिचड़ी ये चीज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को बाहर घुमाने पार्क में ले जाए, रंग बिरंगी नीली पीली लाल हरी डिब्बियां ले जाए 5-6 तरह की, उनमें एक में लौकी तोरी की सब्जी, एक में मूंग की दाल, एक में आलू मटर की सब्जी, थोड़ी धनिया की चटनी, थोड़ा चूरमा, थोड़ा हलवा, ऐसे रंग बिरंगा खाना बना के सारा खाना खाएगा, पेट उसका भरा रहेगा, फिर बार बार दूध नहीं मांगेगा। अगर बच्चे को दूध ही पिलाते रहेंगे, दूध थोड़ी देर में शुशु में निकल जाता है, फिर बच्चे को भूख लग जाती है, फिर मदर दूध देती है, इसे नेवर एंडिंग एक साइकिल चलती रहती है। बच्चा अनसेटिस्फाई रहता है, उसे पूरे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल नहीं पाते और उसकी धातुएं पूरी बन नहीं पाती, तब बच्चा बार बार उसे इन्फेक्शन भी होते हैं, बीमार भी होता है, दवाइयां लेनी पड़ती है। जो बच्चा 1 साल तक बिना दवाई लिए ग्रो करे, वो बच्चा बड़ा ही उसके इम्यूनिटी का लेवल हाई होगा। जो बच्चा 5 साल तक बीमार ना हो, दवाई ना लेनी पड़े, उस बच्चे की इम्यूनिटी का लेवल बाद में बड़े होकर बहुत अच्छा होगा। उसे उसे बाकी भी जो लाइफ स्टाइल डिसीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जो कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, उनसे भी उसका बचाव होगा। इसलिए बच्चे को बिना दवाइयां दिए बड़ा कराने के लिए सबसे अच्छा स्टेप है कि उसको बॉटल फीडिंग ना दें, दूध कटोरी चम्मच से दें, बाकी जो जो आप लोग खाना खाते हों दें। कई मदर ऐसा करती है कि बच्चों को बार बार आलू देते रहते हैं, कई मदर बच्चों को खाली चावल बार बार देते रहते हैं, कोई कहते हैं तो केला बड़ा खुश। मोनोटोनस डाइट नहीं होनी चाहिए लाइफ में, मोनोटोनस लाइफ स्टाइल भी ना हो, मोनोटोनस डाइट भी ना हो, बदल बदल के चेंज कर करके सारा खाना दें, जिससे कि बच्चा हेल्दी रहे, फिट रहे, बीमारियों से बचा रहे। नहीं तो बच्चों में खून की भी कमी हो जाती है और तरह तरह के इन्फेक्शन भी होते हैं, तो हर चीज से बचेगा बच्चा, हेल्दी बनेगा, फिट बनेगा और बड़ा खुश रहेगा बच्चा।